वेलकम टू प्योर कुकिंग। आज मैं आपको क्रिस्पी तवा गोश्त की रेसिपी दे रही हूँ। तो तवा मटन बनाने के लिए हम सबसे पहले मटन को थोड़ा सा गला लेंगे। तो हमने एक बर्तन में गोश्त को ले लिया है। इसमें अब हम हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, क्वार्टर टी स्पून टर्मरिक, सॉल्ट टू टेस्ट और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसे मिक्स करके सबसे पहले गोश्त को गला लेते हैं। तो गोश्त को हम मीडियम फ्लेम पे ढक्कन ढक कर गला लेंगे। तो देखिए, हम मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए हमने गोश्त को अच्छे से गला लिया है। अब हम स्टेप टू की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन में तेल गरम कर लिया है। इसमें अब मैं हरी मिर्ची ऐड करूंगी। स्टोव की फ्लेम को मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। मैंने स्टोव की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से फुल फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे भून लूंगी गोश्त को अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए। तो गोश्त क्रिस्पी हो चुका है। अब मैं इसमें 1 पिंच होममेड गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो ये गोश्त अब बिल्कुल तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। तो तैयार है क्रिस्पी तवा गोश्त। तो बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी इस रेसिपी को बहुत सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को। और मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलती हूँ।